नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आदिवीरा पॉइंट में। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो भर्तियां हैं अब बहुत थम जाएंगी, क्योंकि जो है चुनाव की तारीख घोषणा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कर दी है। और जैसे ही चुनाव की घोषणा करते हैं तो आप सभी को मालूम होगी आचार संहिता लग जाती है, फिर कोई नई भर्ती और ज्वाइनिंग जो है नहीं होती है ना। तो मध्य प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती फंसी हुई थी और पुलिस भर्ती, दोनों ही अब नहीं निकली और अब जब तक होगी तो अब कुछ कहना इसमें नामुमकिन है। तो देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिस है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये निकाला है आज की डेट में 29 सितंबर को। ये उसका नोटिस नंबर है, यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट में, आराम से देख सकते हैं आप। शेड्यूल्ड बाय इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिहार एंड लेजिस्लेटिव असेंबली वेरियस स्टेट रिगार्डिंग। ये सारे स्टेट में जितनी भी उपचुनाव बस सीटियों में बची हुई थी वो यहाँ पर ये कराने वाले हैं। तो ये बिहार की सीट है, ये छत्तीसगढ़ की हैं, ये गुजरात की हैं, है ना। ये जहाँ जहाँ जो सीटें खाली हुई थी किसी कारणवश, या कुछ विधायक इधर के इधर इधर से इधर आ गए थे, या फिर किसी की डेथ हो गई थी, किसी ने पद छोड़ दिया था, तो ये सारी चीज़ें थी। तो मध्य प्रदेश में देखिए ये है, 15 नंबर से जो है स्टार्ट अपनी होने वाली है ये मध्य प्रदेश की। यहाँ से जितनी भी सीटें हैं ये मध्य प्रदेश की पूरी इन सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। ये उसमें ग्वालियर भी सम्मिलित है, डबरा, मंडेर, करेला, पोहरी, बमोरी, अशोकनगर, मुंगावली, ये पूरी 42 तक जो है यहाँ पर, ये लास्ट ये 15 से लेके जो 42 जो है नंबर, यहाँ तक इन पर मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं। तो इतने भी हैं और भी स्टेट यहाँ पर, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, तेलंगाना, ये हैं। तो इतनी ही थी इसमें, बाकी कुछ आपको जानना है कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। कब से यहाँ यहाँ से डेट का जो है इलेक्शन दिया हुआ कि कब आप भर सकते हैं, कब नहीं भर सकते हैं, ये सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। तो अपन को तो भाई चुनाव लड़ना नहीं है तो कोई काम की नहीं है। बाकी मेन मुद्दा ये है कि वैकेंसी का क्या है भाई, हम वैकेंसी आचार संहिता तो लग गई पहले 28 तारीख से सुन रहे थे, तो एक दिन बाद जो है 29 को आचार संहिता लग गई है ना। तो अब वैकेंसी का कुछ नहीं है। दो ही ग्रुप 5 का जो नोटिफिकेशन निकाला हुआ है ने, और फार्मिस्ट वाले का, सब इंजीनियर का, तो उसमें नाम मात्र के पद हैं। बाकी हाँ, फार्मिस्ट वाले में ठीक ठाक पद है थोड़ी, लेकिन इसमें संविदा वाले पर भर्ती कर रहे हैं। और वैकेंसी का क्या जो नहीं निकाली आपने, शिक्षक भर्ती को भी आपने पूरा कंप्लीट नहीं कराया, क्योंकि उसमें ज्वाइनिंग तो मिली ही नहीं, आपने वही प्रोसेस चालू नहीं करी। और अब तो आप तो ये चुनाव आ गए तो क्या मालूम करने वाले भी हैं कि नहीं करने वाले हैं। करेंगी तो अगली सरकार अब किसकी आने वाली, या तो कमलनाथ की आएगी भाई साहब, या तो शिवराज सिंह की आएगी, दोनों ही हैं सब एक ना एक, क्योंकि बेरोजगार के ये लगभग दुश्मन बने हुए हैं दोनों ही पार्टी हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई एक अच्छी, दोनों ही, चाहे बीजेपी ले लीजिए आप, चाहे कांग्रेस ले लीजिए, दोनों एक ही सिक्के के, पहले भी मैंने कहा दोनों एक ही पहलू हैं। इनको कोई मतलब नहीं है आपको वैकेंसी निकालने से, इनको अपने बिल्कुल चुनाव से मतलब है। दोनों ही पार्टियाँ एक सी, ऐसा नहीं कि किसी एक की अच्छाई कर रहा हूँ, एक की बुराई कर रहा हूँ, दोनों ही एक सी हैं। हालांकि लेकिन ये बात अलग है कि कमलनाथ सरकार जब से आई, जब से 1.5 साल से वैकेंसी बिल्कुल नहीं निकली थी, है ना, बिल्कुल उन्होंने निकाली नहीं, और वैकेंसी वो फंसा के और चले गए। कारण क्योंकि वो आरक्षण बढ़ा के चले गए, और मालूम था उनके लिए कि इसमें वैकेंसी फंसेगी फंसेगी, और फंसा के वो चले गए। और 1.5 साल तक कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली, कह रहे थे भाई 49,000 पद निकालेंगे हम पुलिस कांस्टेबल की, 49,000 तो दूर, 49 पद भी नहीं निकाल के गए वो। और जैसे ही अब सरकार पलटी तो कहने लगे हम वैकेंसी निकालने वाले थे, तो ये भी थी। और शिवराज सिंह के भी यही हाल है कि भाई पद पहले उन्हीं की मंत्री की 4,000 कह रहे थे, फिर 3,200, फिर आपने वो भी पद नहीं निकाले। तो दोनों एक ही पार्टी हैं, ऐसे ही हैं, इसमें केवल स्टूडेंट पिस रहा है और कोई बात नहीं हो रही है। तो देखिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के इतना ही अपडेट था, मिलेंगे फिर अगली कोई अपडेट जैसे ही आता है वैकेंसी से रिलेटेड। धन्यवाद।